बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत खोसो मेरे दोस्त, मजबूरियों को मत खोसो और हाल में चलना सीखो। तो हेलो फ्रेंड्स, एंड यू आर वाचिंग योर चैनल फिलोसॉफी। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये सबके लिए होने वाला है, ये सबके लिए होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये जो आज का जो वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वही प्रॉब्लम शायद सबका ही होगा। कौन सा प्रॉब्लम? एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, फेसबुक एडिक्शन, इंस्टाग्राम एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन वो होता है जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते। हमें वो करने के लिए जरूर वो हम करेंगे, हम फोर्स करते हैं करने के लिए। जैसे कि मान लो देखो, एक होता है एडिक्शन, एक होता है नीड। ओके, नीड हमारे क्या? जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, हम ये रोज करते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन ये हमारा नीड है। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन भी हमारा एक नीड है ना, एडिक्शन भी हमारा एक नीड है। हम रोज वही काम करते हैं, जैसे कि हम रोज यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, फेसबुक पे पेजेस को लाइक करते हैं, पोस्ट देखते हैं, हम रोज करते हैं। और दोनों में डिफरेंस है, हम रोज पानी पीते हैं, ये हमारा एडिक्शन है या नीड है? हम रोज पानी पीते हैं, क्या हम इसको एडिक्शन कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो वाटर हम जो पीते हैं रोज वो हमारा नीड है, हमें जरूरत है। पर ये जो फेसबुक हम जाते हैं, रोज जाते हैं, ये हमारा नीड है क्या? नीड है भी नहीं है, है ना? इसलिए आपको दोनों में फर्क समझना होगा, एक नीड है और एक एडिक्शन। तो एडिक्शन आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट, हर कोई भी हो, कोई भी एक बंदा हो जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे कुछ ना उसका एडिक्शन है, उसका वो बहुत एडिक्टेड है। कोई यूट्यूब पे बहुत एडिक्टेड होगा, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे बहुत टाइम स्पेंड करता है ना, इसको कहते हैं एडिक्शन और एक नीड। तो आई होप कि आपको एडिक्शन और नीड में कुछ फर्क दिखाई दिया। बंदा फेसबुक पे वो क्यों जाता है? क्योंकि अगर वो एक उसका एक फोटो पोस्ट कर दिया, ओके, उसका एक फोटो पोस्ट कर दिया, तो उसका एक मन में होता है कि मेरा इस फोटो पे 100 लाइक्स, 200 लाइक्स, 1 लाख लाइक्स मिले, है ना? इसलिए वो फेसबुक पे बार बार जाता है, एक फोटो उसको अपलोड करने के बाद वो बार बार जाता है कि 100 लाइक्स मेरा कंप्लीट हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो वो क्या करता है कि अपने दोस्त को फोन करके बोलता है, दोस्त मेरा इस फोटो पे लाइक कर, कमेंट कर, है ना? यही एडिक्शन है। मतलब आप वो फेसबुक आपको इतना कंट्रोल करके रखा है कि आप फेसबुक पर टाइम स्पेंड करोगे ही करोगे। फिर आप यूट्यूब पे क्यों आते हो? कोई कोई पढ़ाई करने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन का पढ़ाई हो रहा है ना, तो जैसे कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अलग सर हैं, तो कोई कोई उनका वीडियो देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनका वीडियो सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटा के लिए देखते हैं। उसके बाद वो कोई कॉमेडी वीडियो देख रहा होगा, कोई एंटरटेनमेंट देख रहा होगा, कोई म्यूजिक देख रहा होगा, मतलब अपने आप माइंड एक चेंज हो रहा है, उस साइड जा रहा है। हम क्यों आते हैं और क्या करते हैं? ओके, हम क्यों आते हैं सोशल मीडिया पे, क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन हम किधर जा रहे हैं? सोशल मीडिया इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। और जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, एक गुड सर्वेंट है। मतलब हम पूरे देश के, पूरा वर्ल्ड के न्यूज़ हमारे कदमों में, वो हमारे कदमों में पूरा वर्ल्ड के न्यूज़ रख चुका है, पर वो बैड मास्टर भी। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास दुनिया की सारी नॉलेज है, हमारे पास दुनिया की सारी नॉलेज है, ऐसे कुछ भी एक चीज़ नहीं हो जिसके बारे में हम पता नहीं। पर अगर आपके हाथ से एक मोबाइल फ़ोन को मैं ले जाऊँ, फिर आपको एक क्वेश्चन करूँ दुनिया के, आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसका जवाब नहीं दे सकते। आपके पास जब तक गूगल है आपके पास सब कुछ है ना। तो सोशल मीडिया आपको इतना अट्रैक्ट कर चुका है, अगर सोशल मीडिया आपसे दूर कर दूँ तो आप एक मछली को पानी से अगर बाहर जैसे निकलते हैं, जैसे वो चटपटाता है वैसे आप चटपटाएंगे। मतलब अगर एक दिन के लिए आपको कहूँ कि आपका नेट आज के लिए बंद, तो वो एक दिन आपका कैसे आपको कटेगा, वो एक दिन वो तो आप भी पता है ना। मतलब ये सोशल मीडिया आपका माइंड को ऐसे कंट्रोल कर चुका है कि आप वो उसका इशारे पर नचा रहे हो, वो जैसे चाह रहे हो उसको वैसे ही आप नचा रहे हो। आपको लगता है कि आपके मुताबिक आप जैसे चाहते हैं आप वैसे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, पर मेरे दोस्त आप बिल्कुल गलत हैं, आप बिल्कुल गलत हैं। आपको
आप ये सोचते हैं कि मैं हाँ मुझे इतना टाइम में सोशल मीडिया यूज कर लूँ, मैं वो देखूँगा, पर मेरे दोस्त अब बिल्कुल वैसे नहीं करते। आपको वो सोशल मीडिया वो गूगल यूट्यूब वो आपको कंट्रोल करता है कि इसको आप क्या देखने के लिए जाते हैं और आप क्या देखते हैं। आप यूट्यूब पे एक वीडियो लेक्चर देखने जाते हैं लेकिन उसके बाद आप क्या देख रहे हैं उस मिनट के बाद। सोशल मीडिया बहुत अच्छा सर्वेंट है लेकिन बहुत बैड मास्टर है, इसको आपको समझना होगा। जब आप रात में आपका नींद खुल जाता है, आपके जब आँख खुल जाता है तो आप क्या करते हो, पहले मोबाइल, यही एडिक्शन है। जब आप किसी भी काम में जब आप पहले मोबाइल यूज करते हो वो आपका एडिक्शन है। जैसे कि मान लो आपको रात को आपका नींद खुल गया और आपको पानी पीना है, उसके बाद आपको पानी पीना है लेकिन पानी पीने के पहले आपके पास पहले मोबाइल आएगा, पहले आप मोबाइल पकड़ेंगे, वही एडिक्शन होता है। वो सीक्रेट जो तुम्हारा ब्रेन को नहीं पता होता है वो मोबाइल को पता है, मोबाइल के ऐप्स को पता है, यूट्यूब को पता है, गूगल को पता है। तुम्हारा वो सीक्रेट जो तुम्हारा फैमिली मेम्बर कोई नहीं जानता, तुम्हारा फ्रेंड्स भी नहीं जानते होंगे लेकिन मोबाइल को पता है। क्यों? क्योंकि तुम मोबाइल में दिन रात लगे रहते हो, मोबाइल में क्या देखते हो, क्या सर्च करते हो, क्या कुछ करते हो, सब मोबाइल का पता है। आपको पता है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। आपको पता है कि मेरा यूट्यूब पे फेसबुक बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं इसी के लिए पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा, फिर भी आप यूट्यूब पे फेसबुक पे दिन भर लगे रहते हो। क्यों मेरे भाई, क्यों? तो आपको अभी इस यूट्यूब से, यूट्यूब पे एडिक्शन है, फेसबुक पे एडिक्शन, इस एडिक्शन से आपको बाहर निकालना। तो कैसे निकालना होगा? कोई कहेगा भाई मैं अनइंस्टॉल कर दूँ क्या फेसबुक ऐप को, आप अनइंस्टॉल आज कर देंगे फिर से दो दिन तीन दिन बाद फिर से इंस्टॉल होगा आपके मोबाइल में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप आज अनइंस्टॉल कर देंगे फिर से दो तीन दिन आप फिर से इंस्टॉल होगा। इसलिए अनइंस्टॉल मत करो, पर सोशल मीडिया को यूज करने के लिए टाइम रखो कि मैं इससे इसके भीतर में सोशल मीडिया को यूज़ करूँगा, मैं सोशल मीडिया के लिए सिर्फ दो घंटे दूंगा या एक घंटे दूंगा, इस टाइम से उस टाइम के अंदर सोशल मीडिया को यूज़ करूँगा, उसके आगे या उसके पीछे यूज नहीं करूँगा। बस आपको इसी तरह से आपको सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है उसको कम करना है। आप ऐसे डायरेक्ट मत बोलना कि डायरेक्ट फेसबुक को अनइंस्टॉल करूँगा, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करना। अगर आप कर सकते हो तो करो, बेटर अगर आप कर सकते हो तो करो, पर ज़्यादातर नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आज वो अनइंस्टॉल कर देंगे तो फिर से तीन चार दिन बाद फिर से अनइंस्टॉल होगा। जो एडिक्शन है, एडिक्शन का चीज़ है वो एक बार में नहीं हटता है, एक बार में नहीं टूटता है, उसको धीरे 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 उसको घटाना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपका अंदर से मोटिवेशन चाहिए, आपका इनर से मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि मुझे नहीं यूज करना है। सर आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, यह नहीं होना चाहिए। आप आपका दिमाग कंट्रोल करना चाहिए। जब आप खुद अपना दिमाग कंट्रोल करेंगे तब आप कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको लाइफ में सक्सेस करना है ना, तो सक्सेसफुल होना है तो आप वो करो ना जो दुनिया के लोग नहीं करते। आप वो चाहते हो ना कि दुनिया के लोग जो करते हैं उनसे हटकर मैं करूँगा, उनसे हटकर मैं कुछ बनूँगा, तो आप वो करो जो वो नहीं करते। दुनिया का हर लोग तो यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट बर्बाद कर लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप तो वही सेम कर रहे हो। और आप कुछ अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तो आप दुनिया के लोग जो कर रहे हैं उनसे हटकर कुछ अलग कर रहे हैं, तभी आप कुछ अलग बन सकते। तो पहले आपको प्रॉब्लम हुआ सोशल मीडिया को दूर करने के, पर मेरे भाई प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप ये प्रैक्टिस करते रहो कि रोज सिर्फ मुझे दो घंटा यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज नहीं करना। लेकिन पहले दिन में आप दो घंटा नहीं, आप तीन घंटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप प्रैक्टिस बनाए रखिए कि मुझे दो घंटा यूज़ करना है, फिर एक घंटा यूज़ करना है, ज़्यादा मुझे यूज नहीं करना, उसे कम कम करना है ना। तो आप एक दिन परफेक्ट जरूर बनेंगे। फिर आता है इसका एक स्टेप्स है कि हम कैसे इसको कम कर सकते हैं सोशल मीडिया को। आप सोशल मीडिया को जो आपका जो मोबाइल का वॉलपेपर होता है ना, उसमें एक लॉन्ग पासवर्ड लगा दो, लंबा पासवर्ड लगा दो, कोई लेटर्स हो, कोई डिजिट्स हो, इसी तरह का मिला मिला कर लंबा पासवर्ड लगा दो। तो आपको पासवर्ड मारने भी, पासवर्ड को टाइप करने में आपको बोरिंग लगे। फिर जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तब आपका फ़ोन को एयरप्लेन मोड में रख देना,
एयरप्लेन मोड पे रख देना है, नहीं तो आपका जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उनका नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है, ताकि कुछ भी मैसेज आपका ना आए, ताकि कुछ भी मैसेज ना आए और आप डिस्टर्ब ना, इसलिए एयरप्लेन मोड पे रख देना है या फिर नोटिफिकेशन को सब ऑफ कर। तो भाई अभी तो सोशल मीडिया को कम करो यूज़ करना, अभी आपका एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स अभी होने वाला है, तो अभी के लिए सोशल मीडिया को थोड़ा कम करो। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।